मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बुधवार की रात कैटरिंग स्टॉल जलकर खाक हो गया। धो कर जले स्टॉल में रखे फ्रिज व चाय कॉफी मशीन समेत अन्य खाद्य पदार्थों को भी नहीं बचाया जा सका। देर रात प्लेटफार्म पर आग की लपट देखकर रेल प्रशासन भी सकते में आ गया। इस दौरान स्टेशन स्टाफ और अन्य कैटरिंग संचालकों ने फायर इंस्टीग्यूशन की मदद से आग पर काबू पाना चाहा, लेकिन फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मुरादाबाद के प्लेटफार्म 6-7 स्थित खान पान स्टॉल आग की चपेट में आ गया। स्टेशन पर मौजूद लोगों का कहना है कि रात 2:30 बजे इस प्लेटफार्म पर आग की लपटें देखी तो RPF और GRP आग की लपटें देख दौड़ पड़े और आग बुझाने लगे। कुछ कैटरिंग स्टॉल संचालक व वेंडर ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, पर लपटें ज्यादा होने से सारे प्रयास नाकाम रहे। इस बीच RPF और GRP व स्टाफ ने भी आग पर काबू पाने के लिए फायर इंस्टीग्यूशन की मदद से स्टॉल की आग बुझानी चाहिए, मगर नाकाम रहे। सूचना मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इस प्लेटफार्म से काशीपुर रामनगर पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, पर रात में कोई गाड़ी ना होने से प्लेटफार्म सुनसान रहते हैं। स्टॉल संचालक भी रात में बंद कर देते हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। स्टॉल की दुकान थी दीपक सिंह कंपनी, उसमें आ गई हमारी टीम ने गाड़ी रिपर सेंटर के साथ उस आग को बुझाया। और ऐसा प्रतीत हुआ कि आग काफ़ी विकराल रूप से लोगों की जानकारी में ज़्यादा होगा और वो यह प्रयास किया होगा।